हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका स्वतंत्र आईटीआई के डिजिटल लर्निंग क्लास में। मैं दिनेश कुमार आज आप सबों के लिए लेकर आया हैं हेक्साडेसिमल का घटाव। जैसा कि आप लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं, पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं हेक्साडेसिमल का जोड़। तो यदि आप लोग जोड़ को समझ चुके हैं और घटाव समझने की कोशिश कर रहे हैं या समझना चाहते हैं, तो इसको समझने से पहले आपको कुछ चीजों को ध्यान में रखना होगा, और वो है हेक्साडेसिमल के ए बी सी डी ई और एफ, इसके मान को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए अगर आप हेक्साडेसिमल को पढ़ना चाहते हैं। क्योंकि हम लोग बचपन से डेसिमल संख्याओं को पढ़ते हैं, और जब कंप्यूटर की पढ़ाई करते हैं तो बाइनरी सिस्टम को पढ़ते हैं, लेकिन ना तो ऑक्टल की पढ़ाई हो पाती है और ना ही हेक्साडेसिमल की। और अगर कहीं हम लोगों को पढ़ाया भी जाता है तो किस प्रकार से पढ़ाया जाता है कि ऑक्टल की केवल नंबर बता दिया जाता है कि 0 से 7 तक होता है और उसका आधार 8 होता है। हेक्साडेसिमल को इस प्रकार से ही बता दिया जाता है कि इसका संख्या जो होती है वो 0 से 15 तक होती है और बेस 16 होती है। लेकिन ना इसे जोड़ने सिखाया जाता है और ना घटाने, क्योंकि इसका ज्यादातर हम जरूरत भी नहीं समझते हैं, इसलिए इसको कभी पढ़ने का कोशिश भी नहीं किए। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि भविष्य में इसका कहीं जरूरत है, हमें पढ़ना चाहिए, तो आप सबसे पहले इसे याद रख लीजिए इसका मान कितना होता है। तो ए का मान 10 होता है, इसका 11 होता है, इसका 12 है, इसका 13, इसका 14 और इसका 15। अगर आपको ये पता हो गया ना, तो आप हेक्साडेसिमल के जोड़ घटाव गुणा भाग किसी को भी इजी से हल कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ और एक चीज हमेशा ध्यान में रखने योग्य बात है, और वो है आधार। इसका आधार कितना है तो 16 है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका आधार कितना है 16 है। और जब इसका आधार भी पता हो गया और इसका मान भी पता हो गया ए बी सी डी ई एफ का, तो अब हम जोड़ या घटाव आसानी से कर सकते हैं। तो जोड़ तो हम लोग सीख ही चुके हैं, आज चलते हैं घटाव के ओर। तो घटाव बताने से पूर्व आज हम पहले एक डेसिमल का छोटा सा एग्जांपल देंगे कि घटाव किस प्रकार से हम लोग करते हैं डेसिमल में, क्योंकि बचपन से हम लोग तो डेसिमल पढ़ रहे हैं ना, और एकाएक हेक्साडेसिमल में आना थोड़ा सा लगता है कि यह हार्ड होगा, लेकिन हम गारंटी से बोल सकते हैं यह बिल्कुल ईजी है। आप आसानी से इसे बना सकेंगे, एकदम विश्वास रखिए बना सकते हैं इसको आसानी से। तो देखते हैं छोटा सा आज एग्जाम्पल एक, तो हम देख रहे हैं एग्जाम्पल मेरे पास है 4 और 2, 5 और 1। मान लिया जाए ऐसा ही हमको घटाओ, एक घटाओ क्या है 4 और 2 यानी 42 माइनस 15 किसमें, डेसिमल में। ये किसमें है तो ध्यान रखिएगा, ये संख्या डेसिमल में है, ये संख्या किसमें है डेसिमल में, आपको ध्यान रखना चाहिए ये संख्या डेसिमल का। तो डेसिमल में हम क्या करते हैं, यहां 2 में 5 नहीं घटेगा तो क्या करेंगे, 4 से बोरो लेंगे। आप भी लेते होंगे 4 से बोरो। अब बोरो का हिंदी क्या होता है, उधार। उधार हम लोग 4 से क्या लेंगे, उधार लेंगे 2 में। तो उधार कितना लेंगे, यहां से तो हमें एक संख्या मिलेगी 1, और यहां आके इसका मान कितना हो जाता है 10। तो ऐसा क्यों, यहां से तो हमने 1 लिया, यहां 10 क्यों आ गया। तो 10 इसलिए होता है क्योंकि आपको पता होगा और आप भली भांति जानते होंगे कि जब किसी संख्या को राइट साइड में एक अंक बढ़ा दिया जाता है तो उसका मान 10 गुना बढ़ जाता है, मतलब राइट साइड ले आया। इसको हमने क्या किया, राइट साइड लाए। राइट साइड जब एक संख्या बढ़ाते हैं तो वैल्यू कितना बढ़ता है, 10 गुना। तो 1 को 10 से गुना करो 10 ही होगा। एक तो ये तरीके से भी हम समझ सकते हैं। दूसरा तरीका है कि 10 इसलिए भी होता है क्योंकि डेसिमल संख्या का जो आधार होता है, डेसिमल का आधार वो कितना होता है 10 होता है। डेसिमल संख्या का आधार 10 होता है, इसलिए जब भी इसमें हम लोग उधार लेते हैं, बोरो लेते हैं, वो 10 के बराबर होता है। तो हम लोग यहां से 10 पहचान लिए, 10 2 12 12 में 5 गया तो क्या लिखेंगे 7 7 5 12। अब यहां कितना बच गया, क्योंकि इससे हम एक उधार ले चुके हैं, तो यहां बच गया 3 3 में 1 गया, बच गया 2। ये संख्या अगर डेसिमल था तो हम इजी से इसको हल कर पाए, लेकिन यही संख्या अगर हमारा इसी टाइप से हेक्साडेसिमल में हो तो क्या करेंगे हम,
मान लिया जाए दूसरा एग्जाम्पल हम हेक्साडेसिमल का लेते हैं, हेक्साडेसिमल का अगर एग्जाम्पल लें तो हेक्साडेसिमल में हम लोग देखते हैं कि 4:2 यानी 42 हम नहीं पढ़ सकते हैं, इसको हम लोग पढ़ना होगा हमेशा हमको क्या 4 और 2 ही, 4:2 माइनस 1 और 5, ये किस में है तो हेक्साडेसिमल में है। ये हेक्साडेसिमल में, ये डेसिमल में था और ये हेक्साडेसिमल में, इतना आपको ध्यान रखना होगा। इसका बेस 10 था और इसका बेस कितना है 16, इसका बेस 10 होता है डेसिमल का, हेक्साडेसिमल का 16। अब आपको करना क्या है, यहां भी तो 2 है और 5 है तो 2 में 5 नहीं घटेगा, तो क्या करेंगे हम इसमें भी इससे उधार लेंगे, इससे उधार लेंगे, ठीक है। अभी घर से हम उधार लेते हैं और उधार लिए तो कितना आएगा, ये तो 1 देगा लेकिन इसका मान यहां कितना आएगा तो 16 आएगा। जैसा कि यहां पर आप देखिए 1 यहां से लिए तो यहां 10 आया, मतलब इसका बेस 10 था तो 10 आ रहा था, इसका बेस 16 है तो 16 आएगा। यहां से 1 लेंगे और यहां कितना आ जाएगा उधार 16 आएगा, और 16 और 2 18, 16 और 2 18, 18 में 5 गया तो क्या बचा 13 बचा, 18 में 5 गए, अगर घटाते हैं तो कितना बचता है 13, और 13 बचता है तो 13 हम लिखेंगे कैसे, तो 13 को लिखने के लिए हमें डी का प्रयोग करना होगा, 13 को लिखने के लिए हमें क्या करना होगा डी का प्रयोग करना होगा। अब यहां कितना बच गया, यहां बच गया मेरे पास 3, और 3 में 1 गया तो 2, ठीक है। देखिए कितना फर्क है, यहां भी वही अंक और यहां भी वही अंक, केवल आधार चेंज हो जाने से आंसर कितना बदल जाता है, कितना बदल जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से कुछ एग्जांपल को हम लोग देखेंगे हेक्साडेसिमल में, और हेक्साडेसिमल में जब हम एग्जांपल देखेंगे तो उसमें हम प्रूफ भी करने सीखेंगे कि हम प्रूफ किस प्रकार से उसे करते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल आज हम हेक्साडेसिमल का देखते हैं, हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल है हेक्साडेसिमल का, संख्या है 64 माइनस 3C, ठीक है। ये किस में है तो हेक्साडेसिमल में, 64 माइनस 3C, और आंसर भी हमको हेक्साडेसिमल में ही देना है। आपको सबसे पहले क्या करना, इस संख्या को लिखते हैं हम नीचे 64 और 3C, यही करना है ना, माइनस करना है, घटाना है तो घटाते हैं, तो ये तो 4 है और C आपको पता है C बराबर 12 होता है, C का वैल्यू कितना है 12 है, मतलब 4 में तो 12 घटेगा नहीं, मतलब 4 में C नहीं घटना है, तो आपको क्या करना होगा यहां से पहचान लेना होगा कितना 16, यहाँ 1 देगा यहाँ आकर 16 हो जाएगा, तो यहाँ जैसे ही 16 होगा 16 4 20, अब 20 में C घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, C का वैल्यू 12, तो 16 4 20 में 12 घटा दिए तो 8, अब बचा हमारे पास यहाँ 5, अब 5 में 3 घटा देंगे तो 2, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। C 4 में 3C को घटाने के बाद आंसर क्या आता है 2 8, हम लिख सकते हैं 2 और 8, ये हमारा आंसर है। अगर यही आंसर है हमारा, इसको हम प्रूव कैसे करेंगे कि ये होता है, तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, इसको भी डेसिमल में बदलते हैं, इसको भी डेसिमल में बदलते हैं और इसको भी डेसिमल में बदलते हैं, अगर तीनों को डेसिमल में बदलकर भी हमारा आंसर सेम आता है तो हम समझ लेंगे कि हमारा प्रोसेस सही है। तो सबसे पहले इसे हमको क्या करना होगा, डेसिमल में चेंज करना। तो इसको चेंज कैसे करते हैं आप डेसिमल में, आपको पता होगा कि यदि डेसिमल को हेक्साडेसिमल में चेंज करना होता, मान लिया जाए कि 100 है, ये संख्या किस में है डेसिमल में, ये संख्या किस में है 100 डेसिमल में, इसे चेंज करना है हेक्साडेसिमल में, तो आप कैसे करते हैं इसको चेंज, इसी तरह से करते भाग लगाते ना 16 से, 16 6
छियानवे, स्वच्छक छियानवे, असेसफल चार, मतलब क्या लिख देंगे आप 64। हेक्साडेसिमल में क्या लिख देते हैं आप 64 लिख देते हैं। और अगर यही चीज कह दे कि 64 हेक्साडेसिमल में है और उसे बदलना है डेसिमल में, तो आपको सीधा सा पता है कि जब इधर से इधर हम आ सकते हैं, इधर से इधर आ सकते हैं, तो जाहिर सी बात है कि इधर से इधर भी हम आसानी से आ सकते हैं, क्योंकि रोड एक ही है इधर से लाने का और इधर से भी आने का, केवल हम लोगों का दिशा चेंज हो जाएगा। तो देखते हैं अभी हमने क्या किया, 100 को जब लाना था तो हम 16 से भाग लगाए, अब क्या करना है 64 को 100 पुराना है, मतलब हेक्सा को डेसिमल में बदलना है, हेक्सा को किसमें बदलना है डेसिमल में, तो हम इसको उल्टे प्रोसेस से लिखेंगे, कितना है 4 और 6, तो इसी तरह से हम कॉलम बनाएंगे, अब 4 है तो यहां पर 4 लिख देंगे, 6 है तो यहां 6 लिख देंगे और उसको गुना 16 से कर देंगे, क्योंकि इसका बेस 16 है, तो करते हैं फिर से 16 96 और 4 100, यही करते थे हम लोग बाइनरी में भी ना, आपको भली भांति याद होगा कि बाइनरी में भी कुछ इसी प्रकार से हम लोग चेंज कर लेते थे, बाइनरी को जब डेसिमल में चेंज करना होता तो हम लोग इसी विधि से हम लोग उसको आसानी पूर्वक हल कर लेते थे, इसलिए हमको क्या मिल गया 100 को अगर बदले डेसिमल हेक्सा डेसिमल में तो 64, और 64 को अगर बदल दें डेसिमल में तो 100 हम प्रूव कर पाए। ठीक उसी प्रकार से अब क्या करना है हमको, यहां भी 64 ही है हमारा, तो 64 को क्या करना है आपको बदलना है डेसिमल में, तो 64 को ही हमने बदला तो कितना मिला 100 मिल गया, मतलब हम यहां लिख सकते हैं 100 ये डेसिमल। अब क्या है 3C है तो 3C को कैसे बदलेंगे, तो 3C का भी इसी तरह से कॉलम बनेगा, सी है तो सी लिख देंगे, 3 है तो 3 लिख देंगे, इसको 16 है तो 16 लिख देंगे, मतलब 16 इसका बेस है, ये दिया हुआ नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है कि 16 होता है बेस, तो करना क्या होता है इसको इससे गुना और इसको जोड़ना है, तो 16 4 16 48 और सी का मान कितना है, सी का मान 12 है, आपको तो याद ही है सी का मान 12 है, तो 16 48 और 12 कितना होता है 60 होता है, हम लिख देंगे यहां -60 इसमें डेसिमल में। अब हमको क्या करना है, तो अगर इधर से भी हम देख सकते हैं 100 में 60 को घटा दिया जाए, 100 में 60 को घटा दिया जाए तो कितना बच जाएगा, जाहिर सी बात है कि 40 बचेगा, हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 40, बहुत इजी से हम इसको घटा के लिख दिए, 100 में 60 को घटाया 40, क्योंकि हम लोग ये तो संख्या निरंतर 1 से ही पढ़ते आते हैं कि इसको डेसिमल में किस प्रकार से घटाते हैं, हमको लिखने की आवश्यकता भी नहीं पड़ी और हम घटा लिए, 100 में 60 को घटाए तो आंसर क्या आ गया 40, लेकिन देखना यह है क्या इसको बदलने के बाद 40 आता है या नहीं, अगर इसको बदल के 40 आ जाता है तो यह पूरा प्रोसेस सही है, और अगर नहीं आता है तो पूरा प्रोसेस गलत है। अब हमको क्या करना है 28 को चेंज करना है, 28 को जैसे ही चेंज करेंगे वो 40 मिलना चाहिए, तो 28 को चेंज करने की भी कोई नई विधि नहीं है, हमने तो अभी तुरंत इस विधि से हम चेंज किया, तो क्या करना है 8 को यहां लिख देना है, 2 को यहां लिख देना है और 16 से इसको गुणा कर देना, तो 16 × 32 और 8 40, हमें मिल गया 40, मतलब इसको बदलेंगे भी तो 40 आएगा। हमने देखा कि किसी भी हेक्साडेसिमल को आसानी से हम घटा सकते हैं, और अगर कोई हमें बोले कि इसे प्रूव्ड कर सकते हैं क्या आप, तो हाँ हम प्रूव्ड भी कर सकते हैं, केवल ये सारा नियम हमें पता होना चाहिए, तो हम किसी भी संख्या को प्रूव्ड कर सकते हैं। आगे एक और एग्जांपल को देखेंगे, और वो एग्जांपल है हमारे पास 8 - 5F, ये दोनों हेक्साडेसिमल में, और हम पहचान कैसे कर पाते हैं क्योंकि इसका बेस दर्शाया हुआ रहता है, बेस से ही हम लोग पहचान लेते हैं कि किस में दिया गया है, ये जो अंक है वो किस में है, हेक्साडेसिमल में है या डेसिमल में, बाइनरी में या ऑक्टल में, इसका बेस अभी क्या दिख रहा है हेक्साडेसिमल का, इसलिए यह अंक भी हेक्साडेसिमल में है, तो हमको क्या करना है एकदम इजी प्रोसेस से इसको घटा देना है, तो घटाने के लिए तो हमको इस अंक को लिखना होगा, लिखते हैं 3 8 5 F, अब इसको घटाना है, तो घटाने के लिए आप लोग क्या करेंगे 8
में f को घटाना है, f का मान आपको पता होगा कि 15 होता है, f का मान कितना होता है तो 15 होता है, आपको ध्यान में होगा f का मान कितना होता है 15 होता है, तो 8 में तो 15 घटेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे यहां से उधार लेंगे, इससे उधार लेंगे तो ये कितना देगा, ये तो 1 देगा, लेकिन यहां अगर कितना बन जाएगा वो 16 बनेगा, तो 16 और 8 24, और 24 में 15 घटाइएगा तो कितना बचेगा 16 8 24 में f का मान 15 घटा देने के बाद कितना बच जाएगा, तो 15 और 9 24 मतलब 9 बचेगा, यहां पर हम लिख सकते हैं 9, क्योंकि 9 के बाद ही a b c d स्टार्ट होता है, 9 तक तो हम 9 लिख सकते हैं, तो अब यहां 9 लिख दिए, यहां हमारा था c, c से तो 1 चला गया है, c का मान कितना होता है तो 12 होता है, c का मान 12, 12 में से 1 हमने उधार दे दिया है, तो बचा कितना इसके पास, यहां 11 बचा, और 11 में 5 हम घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 11 में 5 गया तो 6 5 11, हमने क्या देखा कि c8 में अगर घटा रहे हैं 5f को f को तो क्या मिल रहा है 6 9 मिल रहा है, तो हम इसको यहां पर लिख देंगे 6 9, ठीक है, इस प्रकार से बहुत ही इजी है इसको घटाना, एक इसको हम प्रूव करके देखते हैं या सही है या गलत, अगर हो जाता है प्रूव तो सही है, नहीं तो बिल्कुल ही गलत है, तो हम इसको चेंज करने सीखेंगे, तो सबसे पहले तो ये हेक्साडेसिमल में है, इसे अब हमको किस में बदलना होगा, डेसिमल में, तो डेसिमल में बदलने का प्रोसेस आपको क्या होता है कि ये कितना है 8 है और सी, तो 8 यहां लिख देना है, सी यहां लिख देना है, और 16 से उसको गुणा कर देना, ठीक है, सी 8 16 और सी का मान 12, ठीक है, सी का मान कितना है 12 है, तो 16 गुना 12, 2 6 2 12 करी, 2 हाथ बचा 1, 2 1 2 1 3, 6 1 6 1, 2 9 1 192 और 8 200, मतलब ये किसके बराबर है, तो 200 के बराबर है, किसमें, डेसिमल में, ये किसमें है 200 के बराबर, तो डेसिमल में बराबर है 200 के। अब हमको देखना यह है कि फिर माइनस है बीच में, तो माइनस चिन्ह लगाएंगे, अब ये 5f किसके बराबर है, तो 5f को भी देख लेते हैं किसके बराबर है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, आप यहां लिख देंगे 5 यहां लिखेंगे, 16 से गुणा करके f को जोड़ देंगे, तो 16 पंचे 80 और f का मान कितना 15, तो 80 और 15 95, यानी 95, ये किसके बराबर है, तो 95 के बराबर है। अब अगर इधर से हम देखें तो 200 में 95 को घटा दिया जाए तो कितना होगा, 105 हो जाएगा ना, कितना होगा 105 हो जाएगा, 200 में 95 को घटाए तो कितना हुआ 105 हो गया। अब हमको करना क्या है कि इसको चेंज करके देखना है क्या 105 मिलता है, अगर मिलता है तो बिल्कुल सही, और नहीं मिलता है तो ये पूरा प्रोसेस गलत, आप तुरंत ही बोल दीजिए ये प्रोसेस गलत है, अगर नहीं मिलता है तो, और मिलता है तो बिल्कुल सही है, तो हम देखते हैं इसको चेंज करके, इसको कैसे चेंज करेंगे आप, तो 9 और 6 है तो हम 9 यहां लिख दिए, 6 यहां लिख दिए, लाइन खींचे और उसके बाद अब 16 से इसको गुणा कर देंगे, 16 96 प्लस 9, 96 और 9 कितना होता है, 96 और 9 105 ही होता है, 96 और 9 105 होता है, मतलब इसको बदलेंगे तो इतना ही आएगा। इस प्रकार से हमने आज हेक्साडेसिमल की घटाओं को समझा, बहुत इजी प्रोसेस से, और हम उम्मीद करते हैं कि आप सबको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि आज हम लोग इजी प्रोसेस से समझ गए हेक्साडेसिमल की घटाओं को। अगर हेक्साडेसिमल के घटाओं को आप लोग समझ पाए, इसको भली भांति बना सकते हैं, तो आप लोगों के लिए हम कुछ क्वेश्चंस छोड़ेंगे, जिसको आप लोग हल करके YouTube के कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए, और अगर आपसे नहीं बनता है या कहीं प्रॉब्लम होती है आपको बनाने में, फिर भी आप कमेंट कीजिए कि सर हमें परेशानी है, हम फिर से इस पर वीडियो बनाएंगे और पुनः आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे, और जब तक आप नहीं समझेंगे हम लगातार वीडियो छोड़ते रहेंगे आपके लिए।
तो आज हम आप सबों के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस को छोड़ेंगे, लेकिन आंसर दीजिएगा जरूर, आंसर निश्चित दीजिएगा। अगर आप लोग क्लास करते हैं, क्लास अटेंड करते हैं, तो आंसर जरूर दीजिएगा, और हमें भी उम्मीद होती है कि आप आंसर देंगे। लेकिन अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने छोड़ा है, नंबर सिस्टम में एक का भी आंसर नहीं मिला है, जो गलत बात है। आप लोगों के लिए हम लोग मेहनत करते हैं और आप आंसर नहीं देते हैं या उसको हल नहीं करते हैं, यह गलत बात है, आप उसे हल कीजिए। तो आपके लिए एक हम क्वेश्चन छोड़ते हैं, 1F4 माइनस BA, बहुत ईजी है, 1F4 माइनस BA, इसको घटा देना है और आंसर किसमें आपको देना है, तो कुछ नहीं करना है, केवल हेक्साडेसिमल में आंसर दे देना, करना क्या है आपको, हेक्साडेसिमल में आंसर दे देना है। यह आपके लिए था पहला क्वेश्चन, और दूसरा क्वेश्चन इसी प्रकार से हम देते हैं आपको, 8D4 माइनस 3F5, 8D4 माइनस 3F5, इसको भी केवल घटाना है और हेक्साडेसिमल में आंसर छोड़ना है। उम्मीद करते हैं कि आप सब इसका आंसर जरूर देंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।